subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 20. Question is, A part में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, write four characteristic of image formed by a plane mirror. Plane mirror की क्या four characteristic होती हैं बताना है. तो सबसे पहले हम A part को ही discuss करते हैं. Characteristic of image formed by plane mirror. Number one is image formed by plane mirror is virtual image. Virtual होती है. Image जो होती है वो suffers lateral inversion से suffer करती है. इसके अलावा in case of plane mirror the image is formed far behind the mirror as object is in the front. जितनी आप दूर पर रखते हैं वहां क्या होता है, in case of image is formed far behind, उससे थोड़ा पीछे की तरफ बनती है हमारी. इसके अलावा द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के साइज के ही जितनी हमारी इमेज बनती है और इमेज यहां पर क्या होती है, इरेक्टेड होती है प्लेन मिरर के केस. अब अगर हम बात करें यहां पर बी पार्ट की, मेंशन द थ्री सिमिलैरिटीज बिटवीन इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर की बनने वाली इमेज में क्या थ्री सिमिलैरिटीज है. तो वो सिमिलैरिटीज है, अगर हम देखें, both form virtual and direct image behind the mirrors. तो दोनों की दोनों मिरर के बिहाइंड में virtual और direct image बनाती है. इसके अलावा जो last part हमसे पूछा गया है वो है determine, differentiate between a converging and diverging mirror. Converging और diverging mirror के बीच में differentiate करना है. Draw a diagram to illustrate the diverging property of diverging mirror. Diverging property को show करना है diverging mirror के अंदर. तो सबसे पहले यहां पर हम देख लें, अ कॉनकेव मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर. कॉनकेव मिरर के अंदर जो इस टाइप का मिरर होता है, आपका जो यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है यानी जहां से रिफ्लेक्ट होना है, और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड पे होता है. लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे क्या होता है, बाहर की तरफ इस साइड में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ. तो वो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है. ऑन द अदर हैंड अ कॉन्वेक्स मिरर इज स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई इन ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर. इसके अलावा और भी डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं, बट दिस इज द मेन डिफरेंस. अब आपको यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर यानी के कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज को भी बताना है. तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही टाइप की इमेज बनती है यहाँ पे आपके, और दोनों ही दोनों क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. देखिए, अगर आप इनफाइनाइट से लेके प्रिंसिपल पॉइंट तक यानी जो सेंटर ऑफ द मिरर है उस तक कोई भी डिस्टेंस लें ऑब्जेक्ट का, आपको हमेशा क्या मिलेगी, छोटी इमेज मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी. लेकिन जब आप इनफाइनाइट पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या करता है, फोकस पे पॉइंट साइज की वेरी डिमिनिश्ड इमेज जो है बनाता है, जो कि वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी. तो ये डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है, और इसीलिए इस तरह के मिरर्स को हम यूज करते हैं. कहाँ यूज करते हैं, रियर व्यू की तरह, जहां पे हम पीछे की दूर की चीजें भी देख पाए और ज्यादा एरिया को कवर कर पाए.